ये हमारे पास है, ये गोश्त है जो मोटा मोटा कुटा हुआ, ठीक है जी। आप चाहें तो साबुत भी ले सकते हैं, आप टुकड़ों में ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इसमें जाएगा दही, आसान रेसिपी, ठीक है। दही के साथ हम इसमें डालेंगे साबुत धनिया कुटा हुआ। इसके बाद इसमें डालेंगे ज़ीरा, इसको मैंने पपीता लगा के रखा है, ये बहुत जल्दी 10 मिनट के अंदर रेडी हो जाता है। इसके बाद इसमें जाएगा नमक, चले जी। अब आपने रखना है इसको पैन को यहाँ पर, और इसके अंदर जाएगा घी। अच्छा, ये है मेरे पास अदरक और लहसुन, और इसको अब डालते हैं पैन के अंदर, और हाई फ्लेम पे आपने इसको करना है ड्राई, ठीक है। काली मिर्च थोड़ा सा आपने इसको इस तरह से चलाना है। कवर कर देते हैं, और आपने लेनी है ये वाली मिर्चें, ठीक है, ये मिर्चें डालेंगे। तो ये भी देखे जी, मैंने बहुत ज़बरदस्त सा इसको घी में रोस्ट कर लिया, बेहतरीन किस्म का। थोड़े से टमाटर, ये देखेंगे, और ये हमने सलाद के पत्ते, थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर चॉप करके डाल देते हैं। चलो जी, मज़ेदार सा घी रोस्ट तैयार हो गया। देसी घी रोस्ट, अज्जा, मटन आधा किलो, अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, भुना साबित धनिया 1.5 चाय का चमचा, भुना साबित जीरा 1.5 चाय का चमचा, दही 1 कप, नमक काली मिर्च हस्बे जायका, घी 1.5 कप, हरी मिर्चें गार्निश के लिए, हरा धनिया गार्निश के लिए।